अस्सलाम वालेकुम अकील भाई जी। बेटा सर कराची से बात कर रहा हूँ सर, मेरे कुछ मसले हैं। मैं एक साल से मेरा वेट जो है 74 से 60 पर आ गया है। हाइट कितनी अच्छा, आपकी जो मैं खाता हूँ। हाइट कितनी है और एज कितनी है? सर हाइट मेरी है 5.10, उम्र है मेरी 30। अच्छा तो ये काफी कम है। वर्कआउट कर रहे हैं? वर्कआउट और ईटिंग रूटीन एक्सरसाइज करते हो? वर्कआउट वॉक वगैरह करता हूँ। मैंने अपना एंडोस्कोपी करवाई है, डॉक्टर ने बोला एच पाइलोरी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। ओके तो फिर तो बात समझ में आ गई ना। ठीक है। अच्छा एच पाइलोरी में आपके पास जिसका आप आगे जाके गर्ड के पेशेंट हो जाते हैं, अल्सर के पेशेंट हो जाते हैं, एच पाइलोरी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, मैं आपको आपके एक थोड़ा सा देसी टोटका बताना चाहूंगी। आपने क्या करना है, पूरे दिन के लिए एक ड्रिंक बनानी है। आपने 10 ounce, अब मैं आपकी बॉडी को अल्कलाइन करने के, 10 ounce एलोवेरा जूस आपने लेना है, 15 ounce आपने कोकोनट वाटर लेना है। एल ग्लूटामिन पाउडर एक सप्लीमेंट आता है, इट इज अ गुड अमाइनो एसिड फॉर पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम एच पाइलोरी। 1 tablespoon एल ग्लूटामिन पाउडर का आपने लेना है। तुख मलंगा आपने लेना है, आपने उसको पानी में सोक करना है 10 मिनट। वो तुख मलंगा भी इस ड्रिंक में डालना है, वो पानी भी इस ड्रिंक में डालना है। शेक दिस ड्रिंक, इसके बहुत ज्यादा बबल्स बनेंगे। लेट इट रिमेन देयर फॉर 10 मिनट्स। पूरा दिन आपने ये पीनी है, रात को भी जब आंख खुलेगी आपने पीनी है। सेलरी स्टॉक अगर मिल जाती है, अजवाइन का पत्ता, उसमें बहुत ज्यादा शफा है, वो आप इसमें डालें। ठीक है, और रात के 7 बजे के बाद आपने नहीं खाना है। जो गर्ड के पेशेंट्स होते हैं, एच पाइलोरी के पेशेंट्स होते हैं, वो रात के 7 बजे के बाद नहीं खाते। गो डेयरी फ्री, गो ग्लूटेन फ्री, और इंशाल्लाह 2 हफ्ते में आप ठीक हो जाएंगे। का मतलब है गंदम नहीं खानी, बिल्कुल भी नहीं खानी, और डेयरी फ्री यानी दूध और दूध की आपने बाय प्रोडक्ट ठीक होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। बताया बना बताया ये एलोवेरा, एलोवेरा जूस और कोकोनट वाटर, कोकोनट एल ग्लूटामिन पाउडर सर, एल ग्लूटामिन, ग्लूटामिन GLUTAMINE। ये कहां से मिलेगा सर? ये किसी भी सप्लीमेंट की शॉप से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आई कीप ऑन रिकमेंडिंग दिस टू माय पेशेंट्स। और इसके अलावा तुख मलंगा, बेसिल सीड्स एंड सेलरी स्टॉक, अजवाइन के पत्ते की डंडी, पत्ता नहीं डंडी, इट इज वेरी इफेक्टिव। अल्हम्दुलिल्लाह माय पेशेंट्स उनका अल्सर रिवर्स हुआ है। आप ये सारा कुछ है ना, अगर आपको कहीं से नहीं मिलता ना, तो आप एक आला नस्ल के ना हकीम, जो कि बड़े बड़े हमारे पास ना 2 हकीमों की आउटलेट्स हैं, इनके पास चले जाएं, ये आपको बने बनाए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये मल्टी वाइटमिन्स के या वाइटमिन्स के बहुत से शॉप्स इस वक्त अच्छे अच्छे शहरों के अंदर खुल गई हैं, अब वहाँ से भी जाकर ले सकते हैं, इसका शेक बनाएं और पिएं। आपको यकीन नहीं आएगा कि आपको कितना एनर्जी लेवल एकदम मिलता है।